हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट फ्लावर ईयररिंग्स। आज हम बनाएंगे ये वाली फ्लावर। देखिए, बहुत ही स्मॉल साइज की फ्लावर है ये, आप देख सकते हैं। स्टिक के साथ है फ्लावर विथ लीफ। आज हम ये वाली डिजाइन बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोसेट थ्रेड, नीडल, सीजर, ग्लू, वायर, पॉल हैंगिंग, हुक, जंप रिंग, स्टार्च, कटर और प्लायर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लावर। हम बनाएंगे एक रिंग, इस तरह से थ्रेड को घुमाएंगे, रिंग बनाएंगे। रिंग बनाने के बाद बनाएंगे चेन, वन चेन। अब इस रिंग में हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस थ्रेड को खींचेंगे, इस तरह से टाइट करेंगे इसे। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच में, ये फर्स्ट वाली स्टिच है, ये वाली फर्स्ट वाली स्टिच, इसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए, छोटी सी सर्कल बन गई। अब हम बनाएंगे चेन, 1, 2, 3, 4। नेडल में 3 टाइम्स, 1, 2, 3, 3 टाइम्स थ्रेड घुमाएंगे। सेम स्टिच में, फर्स्ट वाली स्टिच में ही हम इसी तरह से स्टिच लगाएंगे। 2 2 थ्रेड हमें छोड़ना है नीडल्स में से, इस तरह से 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2। अब हम नीडल्स में फिर से 3 टाइम्स इस तरह से धागा घुमाएंगे। सेम स्टिच में स्टिच लगाएंगे, 2 2 थ्रेड छोड़ेंगे, 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2। अब हम 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 टाइम्स नीडल में थ्रेड घुमाएंगे। सेम स्टिच में स्टिच लगाएंगे, 2 2 थ्रेड हम छोड़ेंगे, 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2। अब हम 3 टाइम्स, 1 2 3, 3 टाइम्स नीडल में थ्रेड को घुमाएंगे और सेम स्टिच में हम स्टिच लगाएंगे, 2 2 थ्रेड छोड़ेंगे, 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2।
फिर से हम नीडल में 3 टाइम्स 1 2 3 थ्री टाइम्स थ्रेड घुमाएंगे, सेम स्टिच में स्टिच लगाएंगे, 2 2 थ्रेड छोड़ेंगे, 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स पेटल्स बन गई। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे जहाँ हमने पेटल्स बनाए, उसके नेक्स्ट वाली स्टिच में हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली स्टिच में इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे, 1 2 3 4, फोर चेन बनाएंगे, सेम स्टिच में हम 1 2 3 टाइम्स नीडल्स में थ्रेड को घुमाएंगे, फिर इस तरह 2 2 थ्रेड छोड़ेंगे, 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2, फिर से हम नीडल में 1 2 3 टाइम्स थ्रेड घुमाएंगे, सेम स्टिच में स्टिच लगाएंगे, 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2। अब हम 4 टाइम्स थ्रेड को नीडल में घुमाएंगे, 1 2 3 4, सेम स्टिच में स्टिच लगाएंगे, 2 2 थ्रेड हमें छोड़ना है, 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2। अब हम 3 टाइम्स 1 2 3 थ्री टाइम्स नीडल में थ्रेड घुमाएंगे, फिर स्टिच लगाएंगे, 2 2 थ्रेड हमें छोड़ना है, 2 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2, 1 2 3 थ्री टाइम्स नीडल्स में थ्रेड घुमाएंगे, फिर इस तरह 2 2 थ्रेड छोड़ेंगे, 2 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 3 पैटर्न्स हम बना लेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली स्टिच में इस तरह के पैटर्न्स बनाएंगे, इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट है, ये लास्ट स्टिच है, स्लिप स्टिच लगाएंगे, यहाँ थ्रेड को इस तरह से खींचेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, देखिए फ्लावर रेडी है। अब हम इसमें लगाएंगे स्टार्च, बैक साइड में हमें स्टार्च अप्लाई करना है, इस तरह से, ये फ्रंट है ये बैक, इसमें हम स्टार्च लगाएंगे, इस तरह से स्टार्च लगाने के बाद
इसमें देंगे हम सेप, इस तरह से बीट्स की हेल्प से हम इस तरह से सेप देंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई। अब हम इसको देंगे सूखने, ड्राई होने देना है इसे। फ्रेंड्स देखिए, अब फ्लावर के मिडिल वाली ये छोटी सी जो फ्लावर बनी है इसे हम बनाएंगे, और बैक साइड वाली इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम इसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ये वाली थ्रेड लेंगे और इस तरह से रिंग बनाएंगे। रिंग बनाने के बाद अब हम यहाँ चेन बनाएंगे, वन चेन। इस रिंग में हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। थ्रेड को खींचेंगे, इसे टाइट करेंगे इस तरह से। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच है ये, इसमें हम स्लिप स्टिच डालेंगे। देखिए छोटी सी सर्कल बन गई। अब हम यहाँ बनाएंगे चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन यानी 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से हम बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। लास्ट है ये, यहाँ हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। थ्री चेन, नेक्स्ट 6 डबल क्रोशे, इस तरह से। बहुत स्मॉल है ये। अब हम जहाँ 3 चेन बनाए फर्स्ट वाली स्टिच में, वहाँ हम स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। इस तरह नेडिल के बैक साइड में इस तरह से हम इसको इस तरह से पुश करेंगे। देखिए अब हम इसको इस तरह से थ्रेड को नीचे रखेंगे, और यहाँ जहाँ हमने स्लिप स्टिच लगाई वहाँ हम बनाएंगे चेन,
चेन वन सेम स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर से बनाएंगे चेन वन, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर बनाएंगे चेन वन, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, चेन वन, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, चेन वन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर चेन वन, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन वन, नेक्स्ट वाली स्टिच में हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे, कंप्लीट है ये। इस तरह से थ्रेड को खींचेंगे, से करेंगे यहाँ से कट, देखिए अब ये कंप्लीट है। नीडिल से इस तरह से शेप देंगे इसको, देखिए अब हम नीडल से दोनों थ्रेड को इस तरह से खींचेंगे ऐसे, इसको भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। रेडी है ये, इसमें हम स्टार्च डालेंगे इसके अंदर इस तरह से, और नीडल से ही इसे स्टार्च अंदर इस तरह से लगा लेंगे। इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स अब हम फ्लावर के ये बैक साइड में जो लगी है इसे बनाएंगे। इसके लिए हम एक रिंग बनाएंगे, चेन वन। इस रिंग में हम बनाएंगे सिक्स सिंगल क्रोशे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। थ्रेड को खींचेंगे, इसे टाइट करेंगे और फर्स्ट वाली स्टिच में, ये फर्स्ट वाली स्टिच है, यहाँ हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, चेन वन बनाएंगे, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सिक्स सिंगल क्रोशे के ऊपर फिर से हम सिक्स सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड राउंड है ये सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 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 हम बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे, लास्ट स्टिच है ये, यहाँ हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, थ्रेड को खींचेंगे और यहाँ से कट करेंगे। इसको इस तरह से नीडल से इस तरह से शेप देंगे, देखिए
इसमें भी हम थ्रेड को यहाँ नीचे रिंग जहाँ बनी हुई है दोनों थ्रेड को इस तरह से बाहर निकालेंगे। ऐसे देंगे सेव। देखिए अब हम इसमें थोड़ी सी स्टार्च डालेंगे यहाँ इस तरह से और नेडल से इस तरह सेव देंगे। फिर ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम लीफ बनाते हैं। नॉट लगाएंगे। फ्लावर में एक स्मॉल साइज के और एक बिग साइज के दो लीफ लगी हुई है। अब हम बनाएंगे स्मॉल साइज के लिए। इसके लिए हम लेंगे चेन 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब हम फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे। सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 12 स्टिचेस में हम लोग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे। 1, 2, 3 स्टिच है। लास्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशे। लास्ट टू स्टिचेस में हम यहाँ बनाएंगे सिंगल क्रोशे। लास्ट स्टिच में हम लगाएंगे स्लिप स्टिच। चेन 1, सेम स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट 12 स्टिचेज में
हम लोग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, 12 हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए। अब लास्ट टू स्टिचेस में हम लोग लगाएंगे, यहाँ फर्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, लास्ट स्टिच है ये, यहाँ स्लिप स्टिच डालेंगे जहाँ हमने स्लिप स्टिच डाली थी फर्स्ट वाली स्टार्टिंग में। उस चेन में हम फिर से इस तरह से स्लिप स्टिच डालेंगे यहाँ, इस तरह से। कंप्लीट है ये, थ्रेड को यहाँ कट करेंगे। अब हम बीक साइज के डिप बनाएंगे, नॉट लगाएंगे, अब हम चेन बनाएंगे 21 चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम यहाँ 16 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, 3, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, 4, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, इस तरह। यहाँ लास्ट में हम लोग 2 स्टिचेस छोड़ देंगे और यहाँ तक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 16 हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए। अब लास्ट 2 स्टिच है, यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, लास्ट स्टिच है यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे, चेन 1, सेम स्टिच में फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, इस तरह 16 हाफ डबल क्रोशे फिर से हम बनाएंगे। यहाँ 2 हमने बना लिए, 14 और बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट 2 स्टिच है। अब हम यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच में
सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये लास्ट है, लास्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। और यहाँ जहाँ फर्स्ट हमने स्लिप स्टिच डाले थे, यहाँ फिर से और एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। थ्रेड को यहाँ कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लीफ रेडी है। अब हम इसमें स्टार्स लगाएंगे। बैक साइड में हमें स्टार्स अप्लाई करना है। इस तरह से स्टार्स लेंगे। स्टार्स थोड़ा गाढ़ा लेना है, थिक होना चाहिए इस तरह से। स्टार्स लगाएंगे। इसमें भी हम स्टार्स लगाएंगे। और इसे इस तरह से थोड़ा सा शेप देके हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसमें भी थोड़ा शेप लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे ड्राई हो चुके हैं, हार्ड भी हो गई है, स्टार्स अच्छी तरह से लग चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस फ्लावर को हम बनाते हैं। ये वाला फ्लावर लेंगे, इसमें इसको डालेंगे इस तरह से सेंटर में। इस तरह नीडल डालेंगे, थ्रेड को यहाँ इस तरह से लगा के इसको खींचेंगे। दोनों थ्रेड को इस तरह बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। मिडिल में, बिल्कुल सेंटर में यहाँ ग्लू लगाना है। इस तरह इसको यहाँ इस तरह से खींचेंगे, टाइट करेंगे इसे। देखिए लग चुकी है। अब हम वायर लेंगे स्मॉल साइज के, इतना। इसको यहाँ फोल्ड करेंगे। अब इसको यहाँ डालेंगे ऐसे। देखिए अब हम ये वाला फ्लावर के बैक साइड में यहाँ डालने के लिए जो बनाए इसको भी यहाँ डालेंगे। और नेडल की हेल्प से यहाँ इस तरह मिडिल में हम नेडल डालेंगे इस तरह से, और सारे धागे को इसमें हम अंदर करेंगे इधर, और इस साइड निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारा धागा नीचे है। अब यहाँ फ्लावर के बैक साइड में नीचे ग्लू लगाएंगे और इसको ऊपर करेंगे इस तरह से।
इस तरह से इसे चिपका देंगे, प्रेस करेंगे इसको। अब हम यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, फ्लावर के स्टिक बनाना है और ये थ्रेड लेंगे हम, इसको यहाँ थ्रेड को टाइट करके बांधना है, हमें घुमाना है यहाँ 3 to 4 times इस तरह से। फिर इसको इस तरह से बांधते जाएंगे नीचे की ओर, बिल्कुल पास पास में इस तरह से थ्रेड को घुमाना है ऐसे, इसको इस तरह से बांधेंगे यहाँ तक, हम इसी तरह बांध लेंगे। यहाँ हम थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे इस तरह से और इसको चिपका देंगे, थ्रेड को यहाँ करेंगे कट इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ ग्लू लगाएंगे, इसको चिपका देंगे और एक्स्ट्रा यहाँ थ्रेड को कट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस वायर में इतना, देखिए हमने लिए हैं, अगर ज़्यादा होता है तो हम यहाँ से कट करेंगे। ग्लू लगाएंगे यहाँ, तरह से थ्रेड को रखेंगे इसके ऊपर और इसको यहाँ से करेंगे रोल इस तरह से। इसमें जैसे हमने हुक बनाए इसी तरह हुक बनाना है हमें, तो इसको फोल्ड करेंगे यहाँ ऊपर, ऐसे। अब थ्रेड को यहाँ से फिर से घुमाएंगे यहाँ ऊपर, देखिए इस तरह से। इसको बांधेंगे इस तरह घुमाते हुए, देखिए अब हम फ्लावर को यहाँ इसके साथ रख के साथ में दोनों को इस तरह से यहाँ से इसको बांधेंगे टाइट करके इस तरह, इसको इतना बांध लेंगे, थोड़ा नीचे तक हमें बांधना है, फिर यहाँ हम लिप लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इतना बांध चुके हैं, अब हम यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे स्ट्रेट को, यहाँ चिपकाएंगे और इस तरह से
दोनों लिप्स को साथ में चिपका देंगे ग्लू लगा के। से रोल करेंगे हम। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। लिप्स और ये स्टिक को बराबर से पकड़ेंगे साथ में और ये वाली धागा यहाँ बांधेंगे टाइट से। टाइट करके हमें बांधना है यहाँ से। इस तरह पास पास में बिल्कुल थ्रेड को इस तरह घुमाएंगे। देखिए से अब हम इसको यहाँ इतना बांधेंगे इसके बराबर लीफ यहाँ है और इतना हम लोगों को बांध लेना है थ्रेड। देखिए फ्रेंड इस तरह से और थोड़ी सी हम बांध लेंगे। इतना एक्स्ट्रा है ये, इसे कट करेंगे। ग्लू लगाएंगे थोड़ी सी यहाँ। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, हुक बनाएंगे। इस तरह थ्रेड को बांधेंगे यहाँ फिर से। ऐसे इस तरह और इसको यहाँ चिपका देंगे। ग्लू लगाएंगे इस तरह से, इसको यहाँ चिपकाएंगे। थोड़ी सी ग्लू और लगा लेंगे यहाँ थ्रेड को। यहाँ कट करेंगे देखिए फ्रेंड्स स्टिक बन गई। अब हम इसको देंगे शेप। इसमें देखिए इस तरह से फ्लावर को हम मोड़ेंगे। इसको यहाँ से हल्का सा इस तरह से मोड़ेंगे और शेप लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने शेप लगा दिए। अब यहाँ स्टिक और लीफ के बीच थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे इस साइड से भी और इसको यहाँ थोड़ा सा चिपका देंगे इस तरह से।
देखिए पावर स्टिक रेडी है। अब हम इसमें लगाएंगे हुक। जंप रिंग लेंगे। इसमें डालेंगे इस तरह से। इसमें लगाएंगे फ्लावर के स्टिक में। इसको करेंगे यहाँ बंद। देखिए अब वॉल हैंगिंग लगाएंगे। जंप रिंग में इस तरह पर्ल हैंगिंग लगाएंगे और इसको यहाँ स्टिक में इस तरह से लगा देंगे और इसको बंद करेंगे यहाँ। देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट है। हमारे दोनों इयररिंग्स रेडी है।